हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज किसी वीडियो में बात करने वाला हूँ स्विगी में आए एक न्यू रेट कार्ड के बारे में। जी हाँ, न्यू रेट कार्ड का मतलब ये है कि स्विगी ने, आपको मालूम है कि जोमैटो की तरह कॉपी कर दी है गिग में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से स्विगी ने जोमैटो की कॉपी की है और वो जो है जनरल रेट कार्ड को हटाकर अब गिग रेट कार्ड लेकर आई है। अब क्या गिग रेट कार्ड है, किस तरीके से उसमें काम करना है, किस तरीके से उसमें अर्निंग करनी है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। गिग, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गिग क्या है। जिस तरीके से आप नॉर्मल वर्किंग करते हैं 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, उसी तरीके से कंपनी ने जो है वर्किंग टाइमिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, जिसको आपको काम करने से पहले बुक करना पड़ेगा और बुक करने के बाद फिर उस टाइमिंग में, यानी कि जो टाइम आपने बुक किया है उस टाइमिंग में आपको काम करना पड़ेगा। ये गिग है। अब उस गिग रेट कार्ड में कैसे काम करना है, उस पर क्या इंसेंटिव होगा, कैसे इंसेंटिव होगा, सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हूँ शावेज, मुंबई से जॉब करता हूँ, कुवैत कंट्री आ चुका हूँ, यहीं से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गिग रेट कार्ड दिखा देता हूँ स्विगी का, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्विगी का गिग रेट कार्ड है। ठीक है, गिग रेट कार्ड में पूरा टाइम कंपनी ने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तो जो पहला टाइम स्टार्ट है, यानी कि जो पहला स्लॉट स्टार्ट है, वो सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट है और दिन में 12 बजे तक है। ये पहला स्लॉट है। इसी तरीके से दूसरा है 12 से 4, फिर तीसरा है 4 से 7, और फिर चौथा है 7 से 11, और फिर लास्ट स्लॉट है 11 से 4, रात के 4 बजे तक। अब ये 5 स्लॉट है, इनको बुक करने के लिए इनके सामने आप जो देख रहे हैं हरा हरा, यानी कि ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एड, जिस स्लॉट को भी आपको बुक करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जब ये बुक हो जाएगा तो ये सफेद दिखाई देगा। ठीक है, वो किस तरीके से दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ऊपर का एक रेट कार्ड देख रहे होंगे, इसमें 2 स्लॉट खाली हैं और 2 स्लॉट बुक हुए हैं, यानी कि नीचे के 2 स्लॉट हैं वो बुक हुए हुए हैं जो व्हाइट व्हाइट है, और जो ऊपर के 2 स्लॉट हैं वो क्या है, खाली है, जिनको आपको बुक करना बाकी है। ये बात आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। तो उसी तरीके से आपको जो भी स्लॉट इसमें बुक करना है आप इसमें बुक कर सकते हैं आसानी से, और बुक करने के बाद आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। तो सिंपल ये तो इसका हो गया आपका रेट कार्ड कि आप बुक कीजिए और उसमें काम कीजिए। अब इस स्लॉट पर, यानी कि इस टाइमिंग में अगर आप काम करते हैं तो उस पर क्या इंसेंटिव देगी, कैसे इंसेंटिव देगी, अब आप उसको ध्यान से समझिए। पहला स्लॉट, यानी कि अगर आप सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक, यानी कि पहले स्लॉट में काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले स्लॉट में अगर आप काम करते हैं 5:30 बजे से 12 बजे तक दिन में, जिसमें आप कम से कम 2 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी आपको कम से कम 55 रुपए का इंसेंटिव देगी, जिस एक्स्ट्रा जिसको पैसा बोलते हैं, 2 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 55 रुपए आपको एक्स्ट्रा देगी, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 ऑर्डर से ज्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी ने नीचे कंडीशन दे रखी है, और दूसरा आपका जो लॉगिन है वो 4.5 घंटे कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले स्लॉट की कंडीशन हो गई इंसेंटिव लेने के लिए। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन यानी कि दूसरा स्लॉट, अगर आप दूसरा स्लॉट यानी कि दिन के 12 बजे से शाम को 4 बजे तक वाला स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें कम से कम आप 2 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी इसमें भी आपको 55 रुपए देती है। लेकिन इसकी भी सेम कंडीशन यही है, कम से कम आपका 1 ऑर्डर से ज्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये है, इंसेंटिव लेने के लिए आप 1 ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 ऑर्डर से ज्यादा आपने रिजेक्ट करा तो उस केस में कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देगी। दूसरा, लॉगिन टाइम का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि इसमें 12 से 4 का स्लॉट है, यानी कि 4 घंटे आपको लॉगिन रहना है, तो 4 घंटे में कम से कम 3.5 घंटे आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। अगर इससे 1 मिनट भी कम हुआ तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से कंपनी के ये 5 इंसेंटिव हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला इंसेंटिव दिखा दिया है, जिसमें से आपको 2 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 55 रुपए देगी पहले स्लॉट में सुबह के 5:30 बजे से दिन के 12 बजे तक। दूसरा का भी बिल्कुल सेम ही है, दिन के 12 बजे से शाम को 5 बजे तक, इसमें भी अगर आप 2 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कंपनी 55 रुपए देगी। और मैं इसका लास्ट का आपको जो है स्लॉट दिखा देता हूँ, रात के अगर आप 11 बजे वाला सेलेक्ट करते हैं, और रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे वाला, यानी कि इसमें 5 घंटे आपको लॉगिन रहना पड़ता है, इसमें अगर आप 2 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो कंपनी आपको सबसे ज्यादा इंसेंटिव देगी, यानी कि 100 रुपए देती है।
इसकी भी कंडीशन सेम है, एक ऑर्डर से ज्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कम से कम आपका 4.5 घंटे लॉगिन होना जरूरी है। तो ये 5 इंसेंटिव हैं दोस्तों, मैंने आपको 3 इंसेंटिव में मेन मेन दिखा दी। आपको जोन सा भी इंसेंटिव देखना है उसमें इंसेंटिव का आपका ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे टाइमिंग का आपके एप्लीकेशन में इंसेंटिव दिखा देगा। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे चैट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।